कॉलोनी नहीं है, अहमदाबाद कॉलोनी ने शायद तलक करना तो मैं जैसा हूँ मैं मैंबर पार्लियामेंट है यूके विच उत्थे मैं शैडो मिनिस्टर हाँ 6 साल हो गए त्रै इलेक्शन जीती हाँ जॉर्ज गैलिक वे की कराया सी हूँ चो यासीन एम पी जे बेडफोर्ड ने तलक वह भी आए हुए सन अपने दौरे वास्ते मैं भी आई सर जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मैं कहना के सारे पैंबर मैं तो उनके साथ जाता हूं रहीम सुखत रुपया अपना देश ना तुसा हिकमत गाता रहा है कि नए विनो नाल ते आज कमरान मुगल साहब इंग्लैंड माशाल्लाह उन्होंने बड़ा नाम है उन्होंने अवैस मुगल उन्होंने छोटे भाई मौजूद ने एक प्रोग्राम रखा हुआ ते मोहतमा नाज शाह इतना सुन थोड़ा इस्तकबाल होसी प्रोग्राम होसी इंशाल्लाह कोशिश कर सके तुसा की सारा कुछ दसा जजाक अल्लाह ऐ सुबह के गम ख्वारो ऐ सुबह के गम ख्वारो उस हाथ से मत डरना खुशी के मत वारो जरात से मत डरना दोनों रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सबसे पहले मैं अपनी बहन आपकी बेटी आपकी फखर जिसकी वजह से आज हम इकट्ठे हुए और मोहतरमा बहन आपका शुक्रिया कि आप अपना टाइम निकाल कर अपने ही घर में आकर बैठी हैं। आप खुद भी प्राउड हो रही होंगी और हम तो प्राउड हैं कि आपने हमारा दियार गैर में सर फखर से बुलंद ही नहीं किया बल्कि दुनिया तक अपनी आवाज पहुंचाई। वो आवाज ह्यूमन राइट्स की बुनियाद पर है, वो इंसानियत की बुनियाद पर है, वो दुनिया की फलाह की बुनियाद पर है, जिसकी वजह से आपको तो मेरा जो वो दर्द था वो दर्द आपने अपने काम से खत्म किया कि आप अपनी कौम की उस एवान कट तनखा चाहिए 18,000 पेंशन से मतलब करूं 22,000 पेंशन लिया तो ये जो मसलियां पर सा ऑपोजिशन ने मेंबर असर की आवाज उठानी पड़ रही है लेकिन सारे जिन्हें ना त्रै पहले त्रै साल सारे जो त्रै इलेक्शन हुए फिर हमारे 6 साल भी तो उन्हें 6 साल में ब्रेक्सिट भी हुई है तो सारे कोविड 19 पूरी दुनिया पर है सारे जो 6 साल सारे ना पार्लियामेंट सारे 6 साल वो उसे इस्लाम नहीं सर नॉर्मल नहीं सर तो उन जिले नॉर्मलिटी आई है उस तरह ऐसा ही है सर कोविड का मसला बन गया है कोविड के दौरान सारा एक इमरजेंसी लेजिस्लेशन भी गल इस तरह की कोविड रजिस्ट्रेशन बाद कोविड लेजिस्लेशन ऐसी कानून बनान लगे सन कि जे कदम मुसलमान तो ज्यादा मरी गए ना असें पता को नहीं थी कि वापस थैंक यू मिस्टर समर इंतजार करा के ताकि हो गया ऐसे कोविड की एजुकेशन आई थी तो उसने मतलब थी असर मुसलमानों की गारंटी थी कि जैसे असें कवर एंड स्पेस होती जे ज्यादा पहले बहुत तरीके थे ये मुझे की पता को थी दुनिया को उसको भी थी कि अंदाजा नहीं थी कितने बंदे मर गए कितने बंदे नहीं मर गए उस समय से पहली बार ब्रिटानिया ने हिस्ट्री में मैं कानून बदलाया थी कि हर मुसलमान की कब्र की जगह गारंटी में चाहिए थी वो मैं कानून बदलाया उसके अलावा पहली निर्भय मुसलमान पहली बार डिस्पैच बॉक्स पर भी जो मैं तकरीर बंद करने का अपनी ओपोजिशन ने बिहाफ ऊपर मिनिस्टेरियल के पास के बीच उस वाले भी मैंने दसिया थी कि जनानियां की मैं खुद जनानियां जनानियां तक हैं तो उन्हें रोल मॉडल मिलते हैं मैं उस वाले जिक्र किया तो दोबारा भी जिक्र किया जो हमारे जो रोल मॉडल ना वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वाले की तासीर तो तकरीबन जो है उन्होंने एक बार निकाल आई थी उस वाले भी बात उठाया थी पार्लियामेंट में तो उस सारा गलत है जो है मैं दसिया थी मैं लोगों की दसन लगियाँ कि जब सुन की तकलीफ हो रही है कोई उसने मजार की कोई अटैक करना है कोई स्टैचू होना है जिसमें हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस होना है सारे दुख होना है इससे जो है असर ने हुए पास ने उसने अपने बारिश की
गल होनी है असर मुसलमानों की तकलीफ होनी है असर के बच्चों को लोग कह रहे हैं असर की अपने खानदान को कह रहे हैं अपने वालदैन को कह रहे हैं सारे नबे प्यारे कोई मेरा जैसा तुम्हें पता कि अलहमदुल्ला सारे चकसवारी ना हर किस्म हर शख्सियत मौजूद है। दूसरा अलहमदुल्ला सारी कश्मीर ने बेटी सारी चकसवारी ने बेटी फखर होना कि सारी चकसवारी ने भी ना अलहमदुल्ला इंग्लैंड के अंदर भी कश्मीर ना मसला होवै कोई भी मसला होवै सारी बेटी सारी भैन जरा ना मसला उत्थे कश्मीर ना चाहें। दूसरा जरा सब तो दरीना सारा मसला सी चक रेम पुल ना एक बहुत बड़ा काफ़ी अरसा टाइम हो गया वो पुल नहीं मुकम्मल होना पाया उसने हवाले नाल भी ना प्राइम मिनिस्टर नाल इमरान खान साहब ने भी मुलाकात की वो भी मसाइल उठाए। दूसरे चकसवारी ने काफ़ी मसाइल अजो ने गल करने इस टाइम कमरान मुगल साहब ने एक प्रोग्राम रखिया सी ते उन्होंने भी शुक्रिया कि उन्होंने कि मौका दिता कि सारे भैन भरा इकट्ठे होवन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब तो पहले तुसां कि असं अपने चकसवारी अंदर बल्कि तुसां ने चकसवारी है तुसां भी चकसवारी ने बैठी हो कम लोगों शायद ना पता हो कि तुसां भी तलक चकसवारी तू है ते थोड़ा जा थोड़ा अपना तारीफ जरे लोग ना वाकफ न चकसवारी ना तू जहर गल चकसवारी अलहमदुल्ला तुसा भी ना रोशन किया तो फिर जो मसाइल ने सारे चकसवारी ने जिस प्राइम मिनिस्टर साहब ने डायरेक्ट जेके गल की है उस हवाले ने जो थोड़ा जा अपडेट करी छोड़े। मारा ना इतने जानने ना मैं नसीम जानने ठीक है ना मतलब मैं इतना इस स्कूल में पढ़ी तो गई हाँ इतना चक जितना मैं बैठी भी ना अज ये अज बॉयज स्कूल है ना तो हूँ कट्ठा हो गया लेकिन कुड़िया ने स्कूल में इतना पढ़ी हाँ तो मैं 2.5 साल इतना रही तो गई सन मतलब माड़ी उम्र तकरीबन 12 साल थी कॉलोनी नहीं है अहमदाबाद कॉलोनी ने सहायत तलक करना तो मैं जैसा हूँ मैं मैंबर पार्लियामेंट है यूके उत्थे मैं शैडो मिनिस्टर हाँ 6 साल हो गए त्रै इलेक्शन जीती हाँ जॉर्ज गैलक वे कराया सी तो हूँ चौधरी यासीन एम पी जे बैडफोर्ड ने तलक वह भी आए हुए सन अपने दौरे वास्ते मैं भी आई सन तो उन्होंने असर मीटिंग होया प्राइम मिनिस्टर नाल ते एम पी यासीन गल की सी प्राइम मिनिस्टर नाल उस पुल ने बारे च के 18 साल 13 साल कम अज़ कम हो गए कि तकरीबन 85% कंप्लीट है तो बाकी कंप्लीट नहीं तो यह सारा होना असं कि चाइना जो कश्मीर ने बंदे या कश्मीर ने उत्थे उन्होंने कवर दसिया नहीं डैमें बच्चे आई गए तो इस्लामगढ़ ना तो कश्मीर ना तकरीबन 45 मिनट सफ़र कट हो जा सी जरा हूँ इस वे घंटे च होना 15 मिनट जो सी तो उस वास्ते इतने भी बंद फायदा जे सारे जे बंद उत्थे ब्रैडफोर्ड वैसट जो माड़े कंस्टिट्यूएंट उन्होंने तलक ब्रैडफोर्ड ने इस इलाके उन्होंने वास्ते ही फायदा हो जा सी तो फिर बेहतर है कि उसकी एक मुकम्मल कर तकने के एक प्राइम मिनिस्टर क्या करने दूसरा तुसा ने अज मुलाकात सारे आज़ाद कश्मीर प्रेजिडेंट बिरसा सुल्तान महमूद चौधरी साहब उन्होंने तो अगर उन्होंने भी तलक जहर गल मीरपुर चकसवारी ने इधर वक्फा नहीं तो अगर तुसा उन्होंने को जाओ तो सारा एक बहुत बड़ा मसला है कि अस्पताल सारा कोई नहीं तो अगर तुसा उन्होंने अगर अगर हो ही सकया तो जरा सारा मसला है अस्पताल मुतालिक जरा तो जो मैं आई हुई ना बूह बंद मैं बूह मसले दस तो एक मसला उन्होंने जाहिर किया उन्होंने आख्या जे ना इतने अस्पताल कोई नहीं सकी मीरपुर जाना पैना तो फिर आज मैं प्रेसिडेंट साहब की मिलसा प्राइम मिनिस्टर जो नए न्याजी साहब उन्होंने मिली चुकी हैं इसना उस वक्त मिगी पता नहीं इस गल ना लेकिन प्राइम प्रेसिडेंट साहब जो बिरसा सुल्तान के आज शाम सारी उत्थे मिलसा तो कोर्ट च तो उत्थे मैं गल जरूर उन्होंने सामने पेश कर सा बहुत शुक्रिया।